नमस्कार बच्चों, मैं निशा सेन हाजिर हूँ आपके लिए फिर से आज पत्र लेखन दिवस। पत्र लेखन में हम पढ़ेंगे औपचारिक पत्र और आप लोगों के यानी कक्षा 8 से लेकर के 12 तक के लिए पत्र आते हैं और 9 से 12 तक का जो मैटर है पत्र लेखन का, उसमें आज हम देखेंगे कि क्या पढ़ना है। तो आज हम देखेंगे औपचारिक पत्र, ठीक है। औपचारिक पत्र पढ़ने से पहले हम ये देख रहे हैं कि पत्र क्या होता है, ठीक है। पत्र विचारों के परस्पर आदान प्रदान का सशक्त, सुगम और सस्ता साधन है। बच्चों, आप किसी से बात करते हो तो आप उम्मीद करते हो कि वो आपको रिप्लाई करे, आपको उत्तर दे, ठीक है। तो आदान और प्रदान, विचारों का लेना और विचारों को देना का सशक्त, सुगम और सस्ता साधन क्या है? पत्र। आधुनिक युग के ऐसे रसायनिक साधन, मोबाइल संदेश, ईमेल यानी इलेक्ट्रॉनिक मेल, वायरलेस दूरभाष यानी फोन से जो बात करते हो आप, मोबाइल आदि के प्रयोग से दूर स्थित सगे संबंधियों, सरकारी गैर सरकारी संस्थानों तथा व्यापारिक प्रतिष्ठानों से पल भर में बात की जा सकती है। आज किसी दूर बैठे व्यक्ति से बात करना बहुत ही आसान हो गया है। पहले के जमाने में लोग बहुत संकेतों के माध्यम से, ढोल नगाड़ों के माध्यम से बातचीत करते थे, ठीक है। इन सबके बाद भी पत्रों का जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। पत्र लिखने की प्रक्रिया को पत्र लेखन कहा जाता है। बच्चों, ध्यान देने वाली बात, पत्र लिखने की प्रक्रिया को पत्र लेखन कहा जाता है। पत्र लिखने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? पत्र लेखन कहा जाता है। पत्र लेखन केवल विचारों का आदान प्रदान ही नहीं, बल्कि इससे पत्र लेखक अर्थात पत्र को लिखने वाले के व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी, चरित्र यानी उसका कैरेक्टर, उसकी मानसिक स्थिति यानी उसकी मेंटल पोजीशन क्या है, उसके संस्कार तथा उसके दृष्टिकोण का भी बोध होता है। आप जो पत्र लिखते हो, उस पत्र को लिखते समय आप किस भाषा शैली का प्रयोग करते हो, कैसे शब्दों के संयोजन का प्रयोग करते हो, उन सब के द्वारा आपकी क्या क्या चीजें प्रदर्शित होती है, उसमें आपका व्यक्तित्व नजर आता है, आपका चरित्र दिखाई देता है, मानसिक स्थिति दिखाई देती है, उन शब्दों के माध्यम से आपके संस्कार दिखाई देते हैं और आपका दृष्टिकोण पता पड़ता है कि कैसा है। तो पत्र लेखन में व्यक्ति के व्यक्तित्व, दृष्टिकोण, संस्कार सभी के बारे में पता चलता है और पत्र लिखने की प्रक्रिया को पत्र लेखन कहा जाता है। अब पत्र बहुत प्रकार के होते हैं, उनमें मुख्य जो भेद माने गए हैं वो दो माने गए हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। बच्चों, पत्रों के जो प्रकार है वो आपके अलग अलग तरीके से डिवाइड है, ठीक है। तो उन डिवाइडेशन में कौन कौन से लिए हमने आज केवल औपचारिक पत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो औपचारिक पत्र होता क्या है? औपचारिक यानी कि नियम, यानी कि बंधा होना। तो जब हम नियमों में बंध करके पत्र लेखन का कार्य करते हैं तो वो औपचारिक पत्र कहलाते हैं। उनमें कुछ आपको नियमों का पालन करना होता है, कुछ बंदिशें होती हैं आपके ऊपर, तो उन बंदिशों को पालन करते हुए आप जब पत्र लिखते हैं तो वो क्या कहलाता है? औपचारिक पत्र कहलाता है। जैसे औपचारिक पत्र प्राय उन लोगों को लिखे जाते हैं जिनके साथ हमारे औपचारिक संबंध होते हैं, अर्थात नियमों वाले संबंध होते हैं, हम बंदिश में रहते हैं उनके साथ में। सरकारी यानी कि जो ऑफिस होते हैं वो, गैर सरकारी, सरकारी यानी गवर्नमेंट और गैर सरकारी यानी प्राइवेट कार्यालयों के अधिकारियों, निजी संस्थानों, पत्र पत्रिकाओं के संपादकों यानी कि अध्यापकों, प्रधानाचार्यों, व्यापारियों आदि को लिखे जाने वाले पत्रों को औपचारिक पत्र कहते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है कि यहाँ कार्यालय द्वारा दूसरे कार्यालय को पत्र लिखा जाता है। अब वो कार्यालय निजी भी हो सकता है, वो कार्यालय सरकारी भी हो सकता है, वो कार्यालय गैर सरकारी भी हो सकता है। तो जब एक कार्यालय के द्वारा, एक कार्यालय के व्यक्ति द्वारा दूसरे कार्यालय के व्यक्ति को जब पत्र लिखा जाता है तो वो औपचारिक पत्र कहलाता है, ठीक है। औपचारिक पत्रों का प्रारूप जिन आधारों पर तैयार किया जाता है वो किस प्रकार से है देखते हैं। इससे पहले हम परिभाषा देखते हैं कि औपचारिक पत्र की जो एक परिभाषा होती है वो क्या होती है। एक सीमित शब्दों में अगर आप बताएं किसी को क्या होता है औपचारिक पत्र, तो विभिन्न सरकारी, अर्ध सरकारी अधिकारियों, कार्यालयों, संस्थानों आदि को लिखे जाने वाले पत्र औपचारिक पत्र कहलाते हैं। विभिन्न सरकारी अर्ध सरकारी सेमी ऑफिशियल अधिकारियों को, ऑफिसर्स को, कार्यालयों को, ऑफिसों को, संस्थानों को यानी इंस्टीट्यूट्स को आदि को लिखे जाने वाले पत्र औपचारिक पत्र कहलाते हैं। ये हुई हमारी किसकी परिभाषा? औपचारिक पत्रों की परिभाषा की। औपचारिक पत्र होता क्या है उसकी परिभाषा। औपचारिक पत्र को फॉर्मल लेटर कहते हैं अंग्रेजी में। इस पत्र में हमें कुछ औपचारिकताएं निभानी होती है। औपचारिकता यानी कुछ नियमों का पालन करना।
दिख रहे हैं उसे व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते हो। अगर आप उसे व्यक्तिगत रूप से जानते हो तो वो व्यक्तिगत पत्र कहलाता है बच्चों, ठीक है। तो जिस व्यक्ति को आप लेटर लिख रहे हो, पत्र लिख रहे हो, उस व्यक्ति को आप नहीं जानते हो, ठीक है। उसका व्यक्तिगत रूप से आपका उससे कोई संबंध नहीं है, ठीक है। हमें पत्र इस प्रकार लिखना होता है कि उसे हमारे बारे में, उसे यानी जिसे हम पत्र लिख रहे हैं उसको हमारे बारे में, और पत्र लिखे जाने वाले मामले के बारे में, किस विषय के ऊपर वो लिखा जा रहा है उस मामले को, उस मैटर के ऊपर के बारे में स्पष्ट रूप से पता चलना चाहिए। तो आपको अपने लेटर के अंदर किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? एक तो आपका व्यक्तिगत रूप से उससे कोई संबंध नहीं, जिसको आप लेटर लिख रहे हो, जिससे आप पत्र लिख रहे हो उसका आपका कोई संबंध नहीं है, और आपके बारे में और पत्र किस संबंध में लिखा जा रहा है उस विषय के बारे में, उस मैटर के बारे में आपको विस्तार से स्पष्ट रूप से उस पर लिखना हो, ठीक है। तो औपचारिक पत्र लिखते समय किन किन बिंदुओं को हम ध्यान में रखते हैं? देखो, प्रेषक का पता और तिथि। प्रेषक यानी जो लेटर लिख रहा है, जो पत्र लिखने वाला है, उसका पता और तिथि सबसे ऊपर आती है कहाँ पर? बायां। अब बायां और दायां में बच्चों आप कंफ्यूज रहते हो, तो देखो जहां से आप लिखना प्रारंभ करते हो वो बायां होता है, और जहां पे आप लिखना खत्म करते हो वो दायां होता है। सपोज जैसे हमने यहां से लिखना प्रारंभ किया, तो ये कौन सा हिस्सा है? ये बाई दिशा है और ये दायां, ठीक है। तो हमने लिखना कहां से प्रारंभ किया? यहां से, और हमने खत्म किया कहां पर? यहां पर। तो जहां से हम लिखना प्रारंभ करते हैं उसे कहते हैं बायां, और जहां पर हम लिखना खत्म करते हैं वो होता है दायां। तो प्रेषक का पता पत्र के बाएं और पत्र प्रेषक का पता लिखना चाहिए, और उसके नीचे तिथि लिखी जाती है, ठीक है। तो कहीं पर, कहीं कहीं पर सबसे पहले पत्रांक लिखा जाता है, जो ऑफिशियल लेटर होते हैं, जो कार्यालय पत्र होते हैं उनमें सबसे ऊपर पत्रांक लिखा जाता है। पत्रांक के बाद में दिनांक लिखी जाती है, दिनांक के बाद में प्रेषक का पता, और प्रेषक के पते के बाद में आपका प्रतिष्ठान में या जिसको आप लेटर लिख रहे हो प्रेषिती उसके बारे में लिखा जाता है, ठीक है। तो सबसे ऊपर बाईं ओर क्या आएगा? प्रेषक का पता और तिथि। प्रेषक के पते और तिथि से पहले आपको पत्रांक लिखना होता है, ठीक है। आपको यहाँ पर पत्रांक यानी कि लेटर नंबर वो भी लिखना होता है। फिर आता है संबोधन और अभिवादन। संबोधन यानी आप उस व्यक्ति को जिसको आप पत्र लिख रहे हो उसको किस शब्दों के द्वारा, किन शब्दों के माध्यम से आप उसे संबोधित कर रहे हो उनके बारे में आता है। जिसे पत्र लिखा जाता है उसके लिए अनेक संबोधनों का प्रयोग किया जाता है, जैसे मान्यवर, प्रिय, महोदय या महोदया, श्री, श्रीमती, सुश्री, आदरणीय, श्रद्धेय आदि, ठीक है। तो जब भी हम पत्र लिखते हैं, पत्र लिखते समय बहुत सारी बातों का ध्यान रखना होता है, वो विषय बिंदुओं में बटा हुआ होता है कि सबसे पहले आपको क्या लिखना होता है, उसके बाद क्या लिखना होता है, उसके बाद क्या लिखना होता है। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? पत्रांक। पत्रांक के बाद में प्रेषक का पता, दिनांक, फिर संबोधन और अभिवादन। फिर लिखेंगे आप पत्र की विषय वस्तु, मैटर, ठीक है। अभिवादन के बाद पत्र की विषय वस्तु लिखी जाती है। पत्र के द्वारा जिन विचारों को पत्र के प्राप्तकर्ता तक पहुंचाना होता है वे यहाँ लिखे जाते हैं, यही पत्र की विषय वस्तु होती है। यानी कि आपको पत्र किस संबंध में लिखना है उसके बारे में आपको पूरी जानकारी देनी होती है उसके अंदर, और पत्र की समाप्ति और निर्देश यानी कि औपचारिक पत्रों के अंत में भवदीय, प्रार्थी, निवेदन, विनीत लिखकर नीचे प्रेषक अपना पद, नाम और पूरा पता लिखता है। जब आप लेटर खत्म करते हो और लेटर स्टार्ट करते हो तो दोनों में प्रेषक यानी कि जो पत्र लिख रहा है उसका पूरा पता, उसके पद का नाम और उसके हस्ताक्षर, ठीक है। तो ये थे पत्र का किस प्रकार, किन भागों में विभाजित होता है पत्र, वो औपचारिक पत्र लिखते समय हमें कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना होता है। जैसे औपचारिक पत्र नियमों में बंधे होते हैं, जैसा कि मैंने बताया आपको कि आप जिसको पत्र लिख रहे हैं औपचारिक पत्र में आपका व्यक्तिगत रूप से उससे कोई संबंध नहीं होता है, इसलिए वो किसमें बंधा हुआ होता है? नियमों में बंधा हुआ होता है। औपचारिक का मतलब ही क्या होता है? नियम। इस प्रकार के औपचारिक प्रकार के पत्रों में भाषा का प्रयोग ध्यान पूर्वक किया जाता है। इसमें अनावश्यक बातें जैसे कुशल मंगल समाचार आदि का उल्लेख नहीं किया जाता। अगर आप व्यक्तिगत पत्र लिख रहे हैं, अगर आप अपने संबंधियों को पत्र लिख रहे हैं तो आप उन पत्रों में कुशल मंगल पूछते हैं, लेकिन अगर आप औपचारिक पत्र लिख रहे हैं, कार्यालय पत्र लिख रहे हैं, तो उनमें किसी प्रकार की कोई किसी भी प्रकार का कुशल मंगल
नहीं पूछा जाता बच्चों। ध्यान देने वाली बात है, आप उस व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते हो, पर्सनली नहीं जानते हो आप, इसीलिए उसको किसी भी तरह की आप कुशल मंगल नहीं पूछेंगे। पत्र का आरंभ यानी स्टार्टिंग और लास्ट यानी अंत प्रभावशाली होना चाहिए। पत्र का शुरू करते समय और पत्र को समाप्त करते समय आपकी भाषा कैसी होनी चाहिए, प्रभावशाली होनी चाहिए, ताकि उसको देखते लगे हाँ लेटर बहुत अच्छा है। पत्र की भाषा सरल, लेख स्पष्ट व सुंदर होना चाहिए। अगर आपकी भाषा सरल नहीं हुई, अगर आपकी भाषा कठिन हुई, तो पढ़ने वाले को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा, कोई किसी प्रकार की रुचि उसको पढ़ने में नहीं लेगा। आपकी लेखनी स्पष्ट होनी चाहिए, आपकी जो लिखावट है वो सुंदर होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, ताकि पढ़ने वाले व्यक्ति को वो समझ में आए। यदि आप कक्षा या परीक्षा भवन से पत्र लिख रहे हैं तो कक्षा अथवा परीक्षा भवन का पता ही उसमें लिखना होता है। अगर आपको प्रश्न में पता नहीं दिया गया है, आपको नाम नहीं दिया गया है कि किसके किसकी ओर से आपको पत्र लिखना है और कोई जगह आपको नहीं दी जाती है, तो आप क्या करेंगे वहां पर भवदीय में या प्रार्थी में आप क्या लिखेंगे, आप परीक्षा भवन लिखेंगे या कक्षा लिखेंगे, कक्षा परीक्षा भवन जगह का नाम, और उसके बाद में क ख ग क्या लिखना है, क ख ग किसके स्थान पर, अपने नाम के स्थान पर, क्योंकि आपको ना तो नाम दिया गया है ना आपको स्थान दिया गया है, तो इसलिए स्थान की जगह आप क्या लिखेंगे, परीक्षा भवन, और नाम की जगह आप क्या लिखेंगे, क ख ग। ठीक है बच्चों, फिर है पत्र पृष्ठ के बाईं ओर से हाशिए अर्थात मार्जिन लाइन के साथ मिलाकर लिखें। कई बार बच्चे क्या करते हैं, बच्चों का आधा पेपर बचता है कॉपी का, तो वहीं से वो पत्र लेखन शुरू कर देते हैं। बच्चों ये बहुत गलत तरीका है पत्र लिखने का। आपको पत्र लेखन हमेशा नए पेज से स्टार्ट करना चाहिए, नए पेपर से शुरू करना चाहिए, और हमेशा हाशी से यानी मार्जिन लाइन से मिलाते हुए आपको पत्र शुरू करना चाहिए। मैं आपको उदाहरण देके बताऊंगी कि पत्र कैसे लिखा जाता है। ठीक है, पत्र को एक पृष्ठ में ही लिखने का प्रयास करना चाहिए। आप जब भी पत्र लिखें तो कोशिश करें कि वो एक ही पेपर में पूरा आ सके, ताकि तारतम्यता लय पद्धता बनी रहे, ताकि कंटिन्यूटी बनी रहे उसकी। ठीक है, तो कोशिश करनी चाहिए कि आपका लेटर एक ही पेपर में आ सके, आपका पत्र एक पेपर में आ सके। प्रधानाचार्य को पत्र लिखते समय प्रेषक के स्थान पर अपना नाम कक्षा व दिनांक लिखना चाहिए। बच्चों अगर आपको प्रश्न में प्रधानाचार्य जी को पत्र लिखने के लिए आता है, तो आप क्या करेंगे, उसमें प्रेषक के स्थान पर, प्रेषक यानी जो पत्र लिख रहा है उसके स्थान पर अपना नाम लिखेंगे, कक्षा लिखेंगे और दिनांक लिखेंगे। अगर आपको नाम नहीं दिया गया है तो ही आप अपना नाम लिखेंगे, अगर आपको प्रश्न में नाम दिया गया है तो आप वही नाम लिखेंगे। ठीक है, क्या कहा मैंने, अगर आपको प्रश्न में नाम नहीं दिया हुआ है तो ही आप अपना नाम लिखेंगे, अगर आप नाम नहीं दिया हुआ है तो आप नहीं। ठीक है, आप देखते हैं तो कृषि मंत्रालय के सचिव की ओर से जिला उपायुक्त को पत्र लिखे जिसमें बाढ़ के बाद आने वाली समस्याओं को निपटाने के लिए सुझाव देते हैं। तो आपको पत्र लिखने वाला कौन है, इसमें पत्र किसको लिखे जा रहा है और किस मामले पर लिखा जा रहा है, इन तीनों चीजों का ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर तीन चीजें देखो, पत्र पहचानने की जो ट्रिक्स होती है वो क्या होती है। सबसे पहले देखो पत्र लिख कौन रहा है, तो कृषि मंत्रालय के सचिव की ओर से, जब ओर से आता है तो वो पत्र लिखने वाला होता है यानी कि प्रेषक होता है। जिला उपायुक्त को पत्र लिखे किसको, तो पत्र किसको लिखना है, जिला उपायुक्त को, ये कौन हो गया, प्रेषकी यानी पत्र पाने वाला। उपायुक्त को पत्र लिखे, अब किस विषय में पत्र लिखना है आपको, वो है बाढ़ में बाढ़ के बाद आने वाली समस्याओं को निपटाने के लिए सुझाव। ठीक है, ये आपका प्रेषक, ठीक है, और ये आपका विषय। ठीक है बच्चों, तो पत्र लिखने वाला कौन है, इसमें प्रेषक कौन है, आपका सचिव, कहां से, कृषि मंत्रालय का सचिव। फिर किसको लिख रहे हैं आप पत्र, जिला उपायुक्त को, किस विषय पर लिख रहे हैं आप, बाढ़ के बाद आने वाली समस्याओं से निपटने के सुझाव के लिए। किसने किसको क्या लिखा, तो किसने लिखा,
सचिव ने लिखा, किसको लिखा, जिला उपायुक्त को लिखा और क्यों लिखा। देखो समस्या क्या है, बाढ़ के बाद आने वाली समस्या लिखने के लिए क्या कह रहा है, सुझाव। इस लेटर को कितने भागों में डिवाइड किया, एक दो और तीन। मेन पॉइंट जो है एक दो तीन, तीन पॉइंट में इस लेटर का हमने विभाजित किया, थोड़ा बांटा इसको। सबसे पहले किसने, कृषि मंत्रालय के सचिव ने। किसको, जिला उपायुक्त को। स्थान आप कुछ भी लिख सकते हो उसमें, क्योंकि इसमें स्थान नहीं दिया गया, तो यहाँ पर क्या लिख दिया, भारत सरकार, कोई भी लगेगा नाम आप लिख सकते हो उसमें। समस्या क्या है, बाढ़ के बाद आने वाली समस्या। और क्या लिखने के लिए कहा गया आपको, यहाँ पर सुझाव लिखने के लिए कहा गया, ठीक है बच्चों। तो ये चीजें आपको प्रश्न में बहुत ध्यान से पढ़ना, प्रश्न पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा कि आपको क्या लिखना है और कैसे लिखना है, क्योंकि आधे से ज्यादा मैटर जो है आपका वो लेटर के अंदर, वो पत्र के प्रश्न के अंदर आपको दिया हुआ होगा, ठीक है। प्रश्न में अगर आपको कोई पता दिया है तो आप सबसे पहले वही पता लिखेंगे। आपको अगर वहां पर प्रश्न में अगर आपको एड्रेस पता दिया गया है तो आप वही एड्रेस लिखेंगे, और अगर नहीं दिया गया है तो आप परीक्षा भवन, स्थान जहां पर आपका परीक्षा भवन है, और किसी भी राज्य स्थान का नाम आप लिख सकते हो और इसके नीचे दिनांक रहेगा। जैसे आप राजस्थान से परीक्षा दे रहे हो, जयपुर से परीक्षा दे रहे हो, तो आप क्या लिखोगे, परीक्षा भवन जयपुर राजस्थान, ठीक है। फिर नीचे आप दिनांक लिखोगे। किस कंडीशन में, अगर आपको प्रश्न में पता नहीं दिया गया है तो, और अगर दिया गया है तो आपको वही प्रश्न वाला पता उसमें लिखना है। प्रश्न को सॉल्व करके देखते हैं हम। प्रधानाचार्य राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भरतपुर राजस्थान की ओर से एक कार्यालय पत्र निर्धारित प्रारूप में निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवा नियोजन निदेशालय जयपुर राजस्थान के नाम लिखिए तथा उनसे संस्थान के भवन की मरम्मत के लिए अनुदान व अनुमति प्राप्त करने का आग्रह कीजिए। बच्चों इससे पहले जो मैंने आपको प्रश्न बताया कौन सा वाला, बाढ़ से निपटने के सुझाव दिए, वो आप मुझे करके दिखाएंगे और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करेंगे उसको, और मैं आपको चेक करके बताऊंगी। आपका होमवर्क है, वो लेटर आपको लिख के मुझे सेंड करना है और मुझे बताना है, ठीक है। कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ अभी। क्वेश्चन क्या है हमारा, प्रधानाचार्य कहाँ के हैं, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के, जगह कहाँ है, भरतपुर, ठीक है। की ओर से, तो यहाँ पर क्या आया, ओर से, तो ये ओर से ये कौन हो गया हमारा, प्रेषक। लिखने वाला कौन है यहाँ पे, प्रधानाचार्य, ठीक है। एक कार्यालय पत्र, पत्र का प्रारूप कौन सा है, कार्यालय पत्र। निर्धारित प्रारूप में निदेशक, निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवा नियोजन निदेशालय जयपुर राजस्थान के नाम लिखना है। आपके पत्र में प्रेषक कौन हो गया, यहाँ पे प्रधानाचार्य। प्रेषिती कौन हो गया, यहाँ पे निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवा नियोजन निदेशालय का, स्थान जयपुर। नाम लिखिए तथा उनसे संस्थान के भवन की मरम्मत, अब आपको यहाँ पर विषय भी दे दिया गया है, संस्थान के भवन की मरम्मत के लिए अनुदान व अनुमति प्राप्त करने का आग्रह कीजिए। तो लेटर में तीन चीजें आपको बताई थी, किसने, किसको, क्या लिखा, ठीक है। तो किसने लिखा, प्रधानाचार्य राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भरतपुर ने लिखा। किसको लिखा, निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवा नियोजन निदेशालय जयपुर को लिखा। किस विषय में लिखा, संस्थान के भवन की मरम्मत के लिए अनुदान एवं अनुमति प्रदान करने का आग्रह किया गया, ठीक है। किसने, प्रधाना
निर्देशन महोदय को लिखा, ठीक है, क्या लिखा, संस्थान के भवन की मरम्मत के लिए, भवन की मरम्मत हेतु अनुदान व अनुमति के लिए, ठीक है बच्चों। तो प्रश्न में तीन चीजें, किसने लिखा, किसको लिखा और विषय टॉपिक क्या है। आप पत्र में लिखते हो ना, सबसे पहले सेवा में, फिर प्रधानाचार्य जी, फिर विद्यालय का नाम, फिर विषय लिखते हो आप, तो विषय भी आपको प्रश्न में दिया हुआ होता है, किसको लिखना है वो भी दिया हुआ था और किस ने लिखा है वो भी दिया हुआ था, ठीक है। तो हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले कार्यालय पत्र में सबसे पहले ऊपर कार्यालय का नाम लिखा जाता है, कार्यालय का नाम, ठीक है। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर आपको बताया था आप कहाँ से शुरू करोगे, हाशिए से शुरू करोगे और बाईं ओर से लिखना प्रारंभ करते हैं। तो बाईं ओर सबसे पहले आप लिखोगे पत्रांक, यानी कि लेटर नंबर। बच्चों लेटर नंबर क्या होता है, देखो हम किसी आपकी स्कूल का, स्कूल में हर महीने के लिए आपके अटेंडेंस का अलग अलग पेपर होता है, ठीक है। आप हॉस्पिटल जाते हो या आप किसी भी ऑफिस में काम के लिए जाते हैं, किसी भी चीज के लिए आप जाते हैं, तो वहां पर एक विशेष बुकलेट होती है हर कार्य के लिए, पुस्तिका होती है हर कार्य के लिए। जैसे आपके स्कूल में देख लो, बच्चों के अटेंडेंस का अलग रजिस्टर होता है, टीचर्स के अटेंडेंस का अलग रजिस्टर होता है, जो फोर्थ फिफ्थ कर्मचारी होते हैं उनके अटेंडेंस का अलग रजिस्टर होता है, ठीक है। तो ऐसे ही प्रत्येक कार्यालय में अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग पुस्तिकाएं होती हैं, तो लेटर्स के लिए भी, उन पत्रों के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। जैसे मैंने आपको अभी औपचारिक पत्र पढ़ा रही हूँ, औपचारिक पत्रों में भी कार्यालय पत्र होते हैं, व्यावसायिक पत्र होते हैं, व्यावसायिक पत्रों में बहुत सारे पत्र होते हैं, निविदा है, अधिसूचना है, परिपत्र है। तो जब अलग अलग प्रकार के पत्रों के लिए अलग अलग पुस्तिकाएं होती हैं ऑफिसों में, कार्यालयों में, ठीक है। तो इसीलिए उनमें पत्रांक लिखा जाता है, लेटर नंबर लिखा जाता है। एक बुक में बहुत सारे पेपर्स होते हैं, तो उन पेपर्स के अकॉर्डिंग वो नंबर होते हैं, ठीक है। तो पत्रांक यानी लेटर नंबर यहाँ आता है। उसके बाद में कौन सा पत्र है, ये औपचारिक पत्र। तो शॉर्ट में, संक्षेप में लिखते हैं इसको औपचारिक पत्र। उसके बाद आपका सन आता है, उसके बाद पत्र का नंबर आता है, कौन से नंबर का पत्र है वो आता है, ठीक है। उसके बाद में आप लिखेंगे यहाँ दिनांक, जो भी आपकी है, और महीने का नाम आप हिंदी में ही लिखेंगे, नंबर नहीं डालेंगे कि आप डेट दिनांक डालने का सही तरीका ये होता है, 22 मई महीने के बाद कॉमा और फिर आपका सन, ये सबसे सही तरीका है डेट लिखने का हिंदी पत्र में। अगर आप ऐसे लिखते हैं, ये गलत, अगर आप ऐसे लिखते हैं ये तरीका भी आपका गलत होता है। पत्र लेखन में दिनांक लिखने का तरीका सबसे अच्छा यही होता है, ठीक है बच्चों। दिनांक, उसके बाद महीने का नाम हिंदी भाषा में, और उसके बाद सन, ठीक है। उसके बाद आप लिखते हैं यहाँ पे प्रेषक, ठीक है, फिर लिखेंगे आप प्रेषिकी, प्रेषिकी या प्रतिष्ठा में, पॉइंट आ गया आपके, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चार पॉइंट आपके स्टार्टिंग में होते हैं। सबसे पहले लेटर स्टार्ट करते हो आप, पत्र स्टार्ट करते हो औपचारिक पत्रों में। तो कार्यालय पत्र में औपचारिक पत्र का जो प्रकार है, कार्यालय पत्र, उसके अंदर सबसे पहले पत्रांक यानी लेटर नंबर, उसके बाद दिनांक, उसके बाद प्रेषक, लेटर लिखने वाला किसने लिखा है वो, प्रेषिति जिसको लेटर लिखा जा रहा है वो, के बाद आपका आता है विषय, उसके बाद आता है आपका विषय,
विषय आपको दिया हुआ आता है, तो मैंने बताया था आपको, जैसे अब जो हम पत्र लिखने वाले उसका विषय क्या है, संस्थान के भवन की मरम्मत के लिए अनुदान एवं अनुमति प्राप्त करने के लिए का आग्रह करना है, ठीक है। तो वो आपका विषय हो गया। फिर आपका विषय होने के बाद में आप लिखेंगे संबोधन, और संबोधन आपको पता है कि कौन कौन से हैं, महोदय या महोदया, मान्यवर, श्रीमान, श्रीमती, सुश्री आदि, ठीक है। ये हो गया आपका संबोधन। फिर आप लिखेंगे मुख्य विषय वस्तु, आपकी विषय वस्तु यानी लेटर, ये तो आपका विषय, आपका विषय है, विषय विषय पर आधारित आपको विषय वस्तु लिखनी है, और आपकी विषय वस्तु जो है वो तीन पैराग्राफ में बटी हुई होती है, तीन पार्ट में बटी हुई होती है, ठीक है। सबसे पहले आप उसमें मेन मुद्दा बताएंगे कि वो मेन मामला है क्या, उसके बाद उस मामले से होने वाली हानियां या लाभ आपको बतानी है, और अंत में आपको अनुरोध करना है कि वो इस समस्या की ओर या इस परेशानी की ओर ध्यान दे और उसको इसको समाधान करने में आपकी कुछ सहायता कर सके, कुछ उपाय उसके सुझाव आपको मांगने होंगे, ठीक है। तो इन तीन भागों में बटा हुआ आता है क्या आपकी विषय वस्तु, ठीक है। और फिर अंत में आपका आता है धन्यवाद और फिर लास्ट में जो दी है कार्सी, ठीक है। ये सवाल बच्चों, अगर आपको लेटर, अगर आपको पत्र प्रधानाचार्य जी को लिखना है तो आप वहां पे भवदीय या प्रार्थी की जगह आज्ञाकारी लिख सकते हैं, ठीक है, और स्थान में आप कक्षा का ही नाम लिखेंगे जैसा कि मैंने आपको बताया, ठीक है। तो आपका पत्र कितने भागों में बट गया, यहाँ 10 भागों में। सबसे पहले प्रेषक या प्रेषिती, सॉरी सबसे पहले आएगा आपका पत्रांक नंबर, उसके बाद आएगा आपकी दिनांक, फिर तीसरे नंबर पे आएगा प्रेषक जो लेटर लिख रहा है, जो पत्र लिखने वाला है, चौथे नंबर पे आएगा आपकी प्रेषिती या प्रतिष्ठान जिसको आप पत्र लिख रहे हैं, पांचवें नंबर पे आपका आएगा विषय, छठे नंबर पे आएगा आपका संबोधन, सातवें नंबर पे आएगा आपका मुख्य विषय वस्तु, नवे नंबर पे धन्यवाद, और दसवें नंबर पे आप जो लेटर लिख रहा है उसके लिए भवदीय या प्रार्थी, ठीक है। अब हम लेटर लिखना प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ किया था हमने इसको, सबसे पहले कार्यालय का नाम बिल्कुल बीच में, उसके बाद बाई तरफ से सबसे पहले पत्रांक, फिर दिनांक, फिर प्रेषक जो पत्र लिखने वाला है उसका पता, उसके बाद में प्रेषिती यानी कि जिसको हम लेटर लिख रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपका विषय, किस विषय पे आपको पत्र लिखना है वो, उसके बाद संबोधन, फिर आपके पत्र की विषय वस्तु, ठीक है। विषय वस्तु के बाद में आपको पूरे अपने पूरा उस समस्या का विषय को बताना है कि आप किस मामले में आपको क्या करवाना है, क्या आपको सुझाव चाहिए, क्या उस समाधान के बिंदु हो सकते हैं, वो सबके सब आपको बताना है इसके अंदर, ठीक है। और फिर लेटर खत्म करते समय अंत में आपको अनुरोध करना है उसके बारे में, फिर धन्यवाद, और अंत में प्रार्थी या जो भेजने वाला लेटर है उसके बारे में आपको जानकारी देनी है, ठीक है। तो ये हमारे औपचारिक पत्र का एक परफॉर्मा पूरा हुआ। फिर क्वेश्चन है हमारा, ग्राम पंचायत क ख ग के सचिव की ओर से जिला कलेक्टर अ ग स को गर्मी के मौसम में पानी की समुचित व्यवस्था हेतु टैंकर भिजवाने के लिए कार्यालय पत्र लिखिए। तो यहाँ पर भी आपको प्रेषक दिया हुआ है, प्रेषिती दिया हुआ है, और आपको विषय दिया हुआ है कि किस विषय पे आपको पत्र लिखना है। तो सबसे पहले इसमें प्रेषक बताओ कौन है, इसमें प्रेषक है सचिव, क्यों है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि ओर से, किसकी ओर से, सचिव की ओर से, सचिव कहाँ का है, ग्राम पंचायत क ख ग का है, ठीक है। फिर लेटर किसको लिखना है आपको पत्र, जिला कलेक्टर अ ब स को, किसको लिखना है, जिला कलेक्टर को लिखना है, किस विषय पे लिखना है, गर्मी के मौसम में पानी की समुचित व्यवस्था, समुचित व्यवस्था हेतु क्या भिजवाना है, टैंकर भिजवाने के लिए आपको कार्यालय पत्र लिखना है। तो आपका पूरा का पूरा लेटर जो है वो उसी बेस
उसी बेस पे ये पूरा का पूरा था। प्रेषक, सचिव, ग्राम पंचायत, फिर प्रेषिति कौन है यहाँ पर, श्रीमान जिला कलेक्टर। अब जगह का नाम नहीं दिया हुआ है ना किसी कार्यालय का नाम दिया हुआ है, सीधे सीधे इसमें क ख ग और अब स दिया है, तो आपको भी पत्र में क ख ग और अब स ही लिखना है, आप अपने मन से कुछ भी नहीं लिख सकते इसमें। और आपकी विषय क्या हो गया इसमें कि गर्मी के मौसम में पानी की कमी हो गई है गाँव में, तो पानी की पूर्ति करने के लिए आपको वहाँ टैंकर भिजवाने के लिए क्या करना है, आपको कार्यालय पत्र लिखना है। तो ये आप मुझे लेटर लिख के बताएंगे और कमेंट बॉक्स में आके मुझे कमेंट करेंगे, और अगली कक्षा में फिर आपके लिए हाजिर होगी, तब तक के लिए।